रीवा की 8 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी हुए घोषित। रीवा सीट में होगी राजेंद्र की राजेंद्र से टक्कर। सेवरिया सीट पर अभय मिश्रा ने की है पैराशूट से लैंडिंग। देवतलाव में चाचा के सामने कांग्रेस से भतीजा उतरा है मैदान में। सिरमौर में जातिगत समीकरण साधने राम गरीब को मिला है मौका। कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा होते ही बगावत पर उतरे हैं दावेदार। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद काम डाउन शुरू हो चुका है। गुरुवार की रात कांग्रेस ने होल्ड की गई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस द्वारा घोषित प्रत्याशियों की दूसरी सूची में रीवा की बची हुई 4 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि सीट से किसे मिला है मौका और कौन देगा किसे टक्कर। गुरुवार की रात जारी हुई कांग्रेस की लिस्ट में रीवा विधानसभा सीट सहित सिमरिया, सिरमौर और देवतलाव विधानसभा सीट के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि पूर्व में जारी की गई लिस्ट में रीवा की 4 सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए थे, जिनमें मऊगंज से सुखेंद्र सिंह बन्ना, मंडवा से बबता साकेत, गुड़ से कपिलधर सिंह व त्योथर से रमाशंकर सिंह का नाम शामिल था। जबकि दूसरी लिस्ट में रीवा विधानसभा सीट से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, सिमरिया से अभय मिश्रा, सिरमौर से राम गरीब वनवासी और देवतलाव विधानसभा सीट से पद्मेश गौतम के नाम का ऐलान किया गया है। बता दें कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में रीवा की जिन 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, उसके हिसाब से रीवा सीट पर कांग्रेस ने भाजपा से 5वीं बार चुनाव के मैदान में उतरे राजेंद्र शुक्ला के सामने इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को चुनाव के मैदान में उतारा है। इधर सिमरिया विधानसभा सीट पर अभय मिश्रा ने पैराशूट से लैंडिंग कर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने अब तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना केपी त्रिपाठी पर ही जताई जा रही है। और अगर बीजेपी से केपी त्रिपाठी चुनाव के मैदान में होंगे तो सिमरिया का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अब बात करें सिरमौर विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर कांग्रेस ने जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास किया है और यही वजह है कि पूर्व में बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी को मौका दिया गया। इधर देवतलाव सीट पर कांग्रेस ने भाजपा के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। इसमें बीजेपी प्रत्याशी विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ अब उनके ही भतीजे पद्मेश गौतम को टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद अब देवतलाव में चाचा भतीजे के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो यह थी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, जिसमें रीवा की बची हुई 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने रीवा की 8वीं विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब देखना यह है कि भाजपा रीवा की होल्ड सीटों पर कितने और किन्हें मैदान में उतारती है। फिलहाल बीजेपी की लिस्ट भी लगभग लगभग फाइनल हो चुकी है और कभी भी जारी हो सकती है।